कासगंज में एक युवक ने अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए ही दूसरी शादी कर ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब दूसरी शादी के समय का दूल्हा दुल्हन का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। डांस का वीडियो देख पहली पत्नी के होश उड़ गए। आनन फानन में पहली पत्नी ने थाने जाकर अपने पति और ससुराल वालों पर मामला दर्ज कराया है। दरअसल मामला 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। गांव सतरोई निवासी देवेंद्र नाम के युवक की शादी साल 2013 में सोरो थाना क्षेत्र के गांव खेरपुर निवासी लड़की से हुई थी। 2 साल बाद ही किसी बात को लेकर पत्नी से देवेंद्र की कहा सुनी हुई। इसके बाद पत्नी अपने मायके में रहने चली गई। दोनों के बीच तलाक का मामला न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है। इससे पहले कि तलाक पर फैसला होता, आरोपी युवक ने दूसरी शादी रचा डाली। आरोप है कि देवेंद्र ने तलाक के मामले में फैसला आने से पहले ही दूसरी शादी कर ली। इस दौरान दुल्हन के साथ देवेंद्र ने बारातियों की मौजूदगी में जमकर डांस किया। लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बात की खबर जैसे ही पहली पत्नी को लगी, आपत्ति दर्ज कराई उसने और अपने पति के खिलाफ सहावर थाने में मुकदमा भी दर्ज करा दिया। मेरी 2013 में शादी हुई थी, 8-9 साल हो गए शादी में, और मेरा हस्बैंड मुझे मारता पीटता था और गाली गलौज करता था। उसने धक्के मारकर घर से निकाल दिया, पापा के यहाँ भेज दिया, और मेरा केस भी चल रहा है। केस पहले उसने तैयार कर दी, मेरे भाई को पकड़वा दिया उसने। उसके बाद में मुझे घर से निकाल दिया और ना मुझे रखना चाहता है। उसने दूसरी शादी कर ली। 5-6 दिन से मैं भाग रही हूँ थाने में, और मैंने FIR दर्ज कराई है। यहाँ पे कोई कार्रवाई हुई अब तक? कार्रवाई अभी तो नहीं हुई है। क्या मांग करती हो आप? मांग मैं न्याय की मांग करती हूँ, मुझे न्याय चाहिए। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं नियमों की अनदेखी कर दूसरी शादी रचाने की जल्दबाजी ने अब युवक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कासगंज से विवेक रॉय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।